देखिए जी, मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन ठंड जरूर लगती है। आपको कब ख्याल आया मॉडल बनूं? रवीश भाई, मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनना चाहता था। मैंने इनको बताया कि मैंने आपकी इनिंग्स देखी। ये पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी थे उस वक्त 97-98 में, जो सईद अनवर ने 194 किया था, ये उस मैच में कैप्टन था। मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरी अभी जाती जिंदगी पे अगर चले गए तो मैं तो बिल्कुल ही किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। नहीं, हमने YouTube चैनल बना लिया है। लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करें। जिनको बोल रहे हो वो नहीं करना, इनको बोलो। अबे इतने बड़े बड़े झुमके पहन के आ गई है, कमबख्त मारी। यकीन करो, ऐसे लग रहा है मुंह से चपेड़े मार रही है। एक बार देखो के इधर तो रोशनी मिल जाएगी, मिल जाएगी। खवातीनों हजरात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा, आ रहे हैं क्रिकेट के राजा। प्लीज वेलकम रमीज राजा। वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। इससे पहले कि मैं आपसे मुकालमा करूं, चलते हैं हिना न्याजी के पास और देखते हैं कि उनके पास हमारे दो आज सुपरस्टार्स कौन से हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव विद मी माद इरफानी एंड मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। इमाद, इमाद से हम सबसे पहले जानेंगे खाने में क्या पसंद है, क्योंकि बहुत फिट हैं तो लोग जानना चाहते हैं कि फिटनेस का राज क्या है। खाने में हर चीज पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। मैं डोंट टेल मी आई एम अ बिग फूडी, बिग फूडी, लेकिन आई डोंट बाय दिस। लेकिन लास्ट 68 वीक्स से आई हैव जस्ट बीन मेकिंग सम गुड चॉइसेस, गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन। गुड क्वालिटी से मेरी मुराद है जिनमें जिनकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो अच्छी हो, प्रोटीन, हाई प्रोटीन, क्वालिटी कार्ब्स, क्वालिटी फैट्स। लेकिन उससे पहले आई यूज्ड टू हैव एवरीथिंग, पिज्जास, बर्गर्स, कढ़ाइयां, ये वो। लेकिन अब थोड़ा सा मैंने ऑलवेज सीन यू वेरी फिट, माशाल्लाह। हाँ, लेकिन हाँ, वही वाली बात, मैं देखता रहता हूँ कि वेयर आई कैन इम्प्रूव, कौन से एरिया में इम्प्रूव कर सकते हैं, किस चीज को मैं बेहतर कर सकता हूँ। मायरा क्या खाती हैं और फिटनेस का राज क्या है? तो मैं हर वक्त जिम में पाई जाती हूँ और बहुत जो मेरे साथ जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स है, फैमिली, उनको पता है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का खाना खाऊं, दाल चावल, सब्जियां, लाइक ये इस तरह की चीजें। खाना बनाने का भी शौक है? खाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक टाइम था कि मैं किचन में जाती भी नहीं थी, किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाती थी, और अब मैं खाना बनाना शुरू हो गई हूं। ये वाओ, क्वाइट एन अचीवमेंट। इमाद, मुझे ये बताएं, अक्सर खवातीन को शौक होता है फोन चेक करने का, तो क्या आपकी बीवी ऐसी है या नहीं, वो आपका फोन नहीं चेक करती? थैंकफुली शी इज वेरी लिबरल एंड वेरी सपोर्टिंग, और अगर करना हो तो कर भी सकती हैं इफ शी वांट्स, लेकिन वी आई थिंक वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्राइवेसी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट टू गिव अदर पीपल देयर स्पेस आल्सो। मेरा कोई फोन चेक नहीं करता। हां, ये यही पूछना चाह रही थी कि अक्सर आप मेकअप करा रहे होते हैं, कोई आपके फोन में अगर झांक रहा हो तो आप क्या? बहुत बहुत बुरा लगता है, स्पेशली जब आप फैंस के साथ होते हैं, कहीं होते हैं बाहर, तो वो मायरा जी ये आपका फोन, आपका नंबर मिल सकता है? अच्छा, मुझे मैं अक्सर लोग तो मैंने ये भी देखे हैं, ये सेल्फी ले लें हमारे साथ, हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। तो नंबर क्यों चाहिए मुझे, ये पता नहीं, मतलब आपने नंबर क्या करना है? लेकिन भाई, मैं फोन उठाती ही नहीं हूँ, मेरी मदर के पास होता है मेरा। बच्चों वाला जवाब। इमाद जी है ना, अच्छा कभी फैमिली के साथ कहीं गए हुए हैं, डिनर कर रहे हैं, कोई फैंस आ जाती है कि पिक्चर लेनी है, आप खाना खा रहे हैं, फिर क्या वेट कराते हैं, फौरन से उठ के सेल्फी ले लेते हैं? अगर उनकी जिंदगी के 5-10 सेकंड मैं बेहतर कर सकता हूँ, और अगर वो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं कि मैं इस काबिल हूँ कि मेरे साथ वो ऑटोग्राफ खिंचवाना या तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, हाँ, तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी जबरदस्त अप्रोच है, एंड आई थिंक यही आपको बेहतरीन इंसान बनाती है, जबरदस्त एक्टर की ये निशानी है, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दे। बहुत सारी बातें होंगी इमाद से और मायरा से। ओवर टू यू रमी सर। बहुत शुक्रिया हिना। आज का जो मुकालमा है उसकी हेडलाइन है उजलत, यानी कि जल्दबाजी। देखिए, जल्दबाजी का काम जो है ना वो ठीक नहीं होता है। क्रिकेट की टर्म्स में ऐसा ही है कि बगैर सेट हुए आप छक्का लगाने के लिए चले जाएं और आउट हो जाएं तो फिर ड्रेसिंग रूम में आपकी खूब धुलाई होती है। सो जल्दबाजी, चाहे आप बिल्डिंग बना रहे हो, चाहे कोई डिसीजन ले रहे हो, चाहे कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो और शॉर्टकट के थ्रू काम करने की कोशिश कर रहे हो, ये वारा नहीं खाता और ये होना भी नहीं चाहिए। तो मेरी आपसे अपील, इस्तदा ये है कि तहम्मुल मिजाजी से काम लें, और कोई अगर शॉर्टकट मार रहा है उसको मारने दें, क्योंकि उसको मार पड़ने वाली है, क्योंकि उसका टेम्परमेंट ही ऐसा है कि वो वेट नहीं कर सकता। आप वेटिंग गेम खेलें और सक्सेस स्टोरी में आप हीरो या हीरोइन का नाम पाएंगे। अच्छा जी, हिना न्याजी ग्रीन रूम से यहाँ हमारे मेहमानों के साथ पहुँच गई हैं। तालियों में इस्तकबाल कीजिए, हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, मायरा खान और इमाद इरफानी।
अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें करियर पे जो है वो क्रिकेट के हिसाब से तो मेरे पे बहुत नजर रहती है लोगों की, बिल्कुल रहनी चाहिए। आपके करियर पे छोटी सी ट्रिब्यूट है, पहले आपकी है फिर आपकी है, ये तो आपकी परफॉर्मेंस हमें पता चल गई। ये ऐसे ही है जैसे कि इन क्रिकेटिंग टर्म्स ओपनर से लेके टेल एंडर्स तक आपने सारी इनिंग्स खेल ली है, हर कैरेक्टर आपका दिखा है हमें। थैंक यू सो मच। मैं आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आपकी क्रिएटिव टीम का, जिन्होंने ज़बरदस्त क्लिप्स इन्होंने लगाए और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं खुद भी भूल चुकी हूँ मैंने क्या क्या काम किया। और मैं ये भी कहना चाहूँगी सर, आई एम अ बिग फैन, आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ, ऐसी कंट्री से जहाँ आप जैसे हीरोज हैं। क्या बात है आपका, आपने मुझे इमोशनल कर दिया मुझे। शादी क्यों नहीं कर सकते आप? बहुत वजूहत है सर, ना पूछे। बट कैसा लगता है ये, मतलब है यू हैव अराइव्ड वाली एक फीलिंग है? आई थिंक रमीज भाई यू नेवर अराइव, इट्स अ पीकलेस माउंटेन दैट यू कीप ऑन कॉन्करिंग। और आप तो माशाल्लाह यू हैव बीन देयर, यू स्टिल देयर, आपको तो मालूम है आपके लिए तो एक लेवल रीच करने के बाद अगला लेवल, फिर उससे अगला लेवल। आई थिंक यू नेवर अराइव। कैसा लगता है? कॉन्शियस जरूर हो जाता हूँ अपने आप को देख के और सोचता हूँ यहाँ पे बेहतर कर सकता था, यहाँ पे बेहतर कर सकता था। सो अनकंफर्टेबल लगता है। क्रिकेट का शौक जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से, मेरा तो अपनी एग्जांपल है, बड़ा भाई खेलता था, आपकी क्या एनवायरनमेंट थी? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि वी चेंज आउट ऑफ इंस्पिरेशन और डेस्पिरेशन। मेरे लिए डेस्पिरेशन भी थी और इंस्पिरेशन भी थी और बहुत सी ठोकरें थी। और एट अ पॉइंट इन माई लाइफ आई स्टार्टेड एक्टिंग रिलेटिवली लेट, एट अ पॉइंट इन माई लाइफ के मैं उस पर क्रिकेटर नहीं बन सकता था, टेनिस प्लेयर नहीं बन सकता था, म्यूजिशियन नहीं बन सकता था, ये थोड़ा डूएबल था, लो हैंगिंग फ्रूट था मेरे लिए, ह्यूमन बिहेवियर। और इस ह्यूमन बिहेवियर के थ्रू मैं समझता हूँ कि मैंने अपने आप को बहुत डिस्कवर किया है, अपनी फीलिंग्स को, अपने अनप्रोसेस्ड इमोशंस को, अपनी पर्सनैलिटी को। बिकॉज एक एक्टर के लिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है आपकी आवाज़, आपकी इमोशनल लाइफ और आपकी बॉडी, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। ये बात है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी जो कि अभी भी जारी है और जारी रहेगा। मायरा कैसे आई आप मीडिया में, अगर हम आपके सफर की बात करें? ऐसे मुझे तो बहुत शौक था, मुझे अच्छा। मुझे तो बचपन से एक्टिंग ही करनी थी। और घर में कोई भी नहीं था ना शोबिज? नहीं, कोई भी नहीं था। और मतलब हम लोग उस वक्त शो आता था सुहेल बड़ाई साहब का जी, तो उसमें मैं उनकी नकल उतारा करती थी हम घर पे बहन भाई। वैसे बहुत लोगों ने की है नकल, मैं असेस करता हूँ कि आप कितना करीब पहुँचती। सीरियसली आपने हमें यहाँ बुलाया और बिस्कुट के साथ खाली कप रखे हैं क्या ये खुला तबाद नहीं? सही बात है। तो हम लोग बहन भाई इस तरह से वीडियोस बनाया करते थे। अब तो ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है टिकटॉक और ये रील्स का, तो हम लोग उस वक्त से ये चीज़ें कर रहे थे। तो मैं ऐसे कभी वो बन जाती थी, वो सेलिब्रिटी बन जाते थे, तो वो हम लोग इस तरह से ये करते रहे। पाकिस्तान में तो एक रुझान है ना जंपिंग द क्यू, आप लाइन में खड़े हुए हैं, अपना वेट कर रहे हैं बारी की और कोई और आ जाता है तो वो आके आपकी जगह ले जाता है। बट फिर भी हिम्मत हौसले से काम लेना है, राइट? एब्सोल्युटली, हेस्ट मेक्स वेस्ट, आप ये कह रहे हैं ना। एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन, आपको इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पता होगा। मैं क्रीज पे कम ही ठहरता था, बट एनीवे जितनी देर में ठहरता था ये चैलेंज होता है। नहीं, इनकी दो सेंचुरीज है 92 वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, आप लोगों को शायद मालूम ना हो, इनकी दो सेंचुरीज है। आपको कब ख्याल आया मॉडल बनूं मैं? रवीज भाई मैं आपकी तरह क्रिकेटर बनना चाहता था। बाय द वे मैं रवीज भाई से आज तक एक बार मिला हूँ, इम्तियाज अहमद साहब, थर्ड टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, उन लोगों का कैंप था और ये खड़े हुए थे और मैं जाके इनको आपसे, आपको ऑब्वियसली याद नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, नो इट्स ओके, मैंने इनको बताया कि मैंने आपकी इनिंग्स देखी मिनी वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इन्होंने 60 किया था मेरे ख्याल से और वो मैच हम जीते थे। उस वक्त वेस्ट इंडीज को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात होती थी। एंड आई जस्ट सॉ योर इनिंग ऑफ 1985 या 1997 की बात है, एंड आई मेड कॉन्वर्सेशन विद यू, दैट्स द ओनली टाइम आई मेट यू। अच्छा, ओके। उस वक्त ये पीक पे थे, उस वक्त ये डोमेस्टिक क्रिकेट में हर इनिंग्स में 200 से 300 बना रहे थे, ये पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी थे उस वक्त 97-98 में, और जो सईद अनवर ने 194 किया था ये उस मैच में कैप्टन थे। मैं डर रहा हूँ यार, मेरी बात सुनो, और तो कोई मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है? I swear, मैंने कोई रिसर्च नहीं की, ये स्पॉन्टेनियसली चीजें आ रही हैं, ये बिल्कुल स्पर ऑफ द मोमेंट चीजें। मुझे डर लग रहा है मुझे मेरी अभी जाती जिंदगी पे अगर चले गए तो मैं तो बिल्कुल ही किसी को शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहना। अभी तो टाइम कम है,
मैं तो आपसे एपिक टूर्स के बारे में मुझे बात करनी है. 87 इंडिया, 88 वेस्ट इंडीज, सही बात है यार, 92 इंग्लैंड वर्ल्ड कप, ये एपिक टूर्स मुझे आपसे बात करनी है. और इसके लिए स्पेशल एडिशन करेंगे. अब हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स. इमाद, मर्द को दर्द नहीं होता पर ठंड लगती है. वाव, डायलॉग पे देखिए जरा, इमोशनल बीट क्या दे रही है अभी. यू आर हैप्पी. देखिए जी, मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन ठंड जरूर लगती है. एंग्री हैं आप बहुत ज्यादा. मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन ठंड जरूर लगती है. मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन ठंड जरूर. बहुत नर्वस. नर्वस. मर्द को दर्द नहीं होता लेकिन ठंड जरूर लगती है. थैंक यू. आप रेडी हैं? अब आपकी बारी है. अच्छा, आपका डायलॉग है, मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. हैप्पी? हैप्पी. ये मैंने खट्टी कॉफी खाई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. या वेरी गुड. अच्छा जी, अब आपको हैप्पी से सैड पे ले जाते हैं. सैड. मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. सही है. नर्वस. मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकती हूँ. अच्छा, अब कोई बच्चा अगर इसको बोलेगा तो कैसे बोलेगा? ये मैंने खट्टी टॉफी खाई है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. सही है, बोलो. ओह माय गॉड. हर कोई जानना चाहता है कि मीरा की शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी. लेकिन मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, ये तो वही लड़की है जो मीरा को कॉपी कर करके लिटिल लिटिल शाइनिंग स्टार बनी है. आपको नहीं करती मैं जो असल वाली मीरा जी. मैं ही असल हूँ. द मीरा जी. मैं ही हूँ द मीरा जी. ओ माय गॉड, आज फिर देखते हैं. लो लड़की, कॉपी करो मुझे. Hello everyone. Of course, this is the only Meera's hair. Oh my God, Ramesh. तुम कहाँ से आ गई हो? मैंने जैसे कपड़े भी कॉपी करके आ गई हो. तुम्हें याद? तुमने greens क्यों पहना हुआ है? Greens तो मैंने पहना हुआ था. मैंने खूबसूरत ब्यूटी वाला ग्रीन्स पहना हुआ है. रमेश की तरफ जाने की कोशिश मत करना. रमी मॉडल वो है, मॉडल. Oh my God, इमाद इरफानी. जी मैडम, how are you? वाओ, मेरे लिए कितनी गर्दन घुमा ली इसने. आप जानते हैं कि मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा कि मीरा जी आपका दिल किसके पास है, तो मैंने क्या जवाब दिया बताइए? मैंने कहा मेरा दिल फेफड़ों के पास. मेरी बात सुनो, मादी के साथ तुम बात नहीं कर सकती. चलो तुम कर लो. हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं. ओह माय गॉड, तुम भी इतनी बड़ी हो. मादी ने और मैंने इकट्ठे काम शुरू किया था, याद करो. इमाद, this is called real Meera. इमाद की मेरे से नजर नहीं हट रही. Oh my God, तालियों for इमाद. मेरी बात सुनो. You're doing wonderful. Thank you so much. तालियां होनी चाहिए भाई. लेकिन एक चीज है, ये जो लड़की खड़ी है मायरा खान, इसे मैं कहूंगी कि कराची के एक्सेंट में ये जो रख के पेंडू बनती है वो बन के दिखाए. अरे क्या हो गया? अबे इतने बड़े बड़े झुमके पहन के आ गई है, कमबख्त मारी, ऊपर से मैचिंग भी कर ली है मेरे साथ. यकीन करो, ऐसे लग रहा है मुंह से चपेड़े मार रही है. मायरा, तुमने परफ्यूम बहुत अच्छा लगाया है ना. प्लीज जाते हो मुझे गिफ्ट करके. खैर रमीज, मैं चाहती हूँ कि ये जो आपने आज गेस्ट बुलाए हैं, ये क्रिकेट खेलें और आज हम दोनों बताएंगे कि किसकी कमेंट्री ज्यादा अच्छी है. अच्छा, प्लीज आइए. आप खेलेंगे, मैं कमेंट्री करूंगा. मीरा जी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सरफेस? सरफेस मेरी काफी स्मूथ है. मैं एक ब्यूटी क्रीम यूज कर रही हूँ आजकल. आई एम आस्किंग अबाउट द पिच. देखिए, लड़की की जो पिच है बोलने की, वो हमेशा बहुत ऊंची होनी चाहिए. नाउ वन स्टार इज गोइंग टू हिट दिस बॉल.
He hit the floor very badly and the other star is crying very harshly. इमाद एक दफा फिर हो जाए, अब हम इनकी कमेंट्री सुनेंगे। I mean, this is the first game जो कि मर्द और औरत के बीच में हो रहा है, ये mixed 11 में हो रहा है ये। The last ball before tea break. Okay. Coffee break से पहले है जी, last ball and defense well. And we are right back after the break. You're watching Showtime with Ramiz Raja. Imad, हमारे पास ये खबर आई है कि आपको गाने का भी शौक था। हमारे पास माइक है, आपके पास आवाज है। तुम दूर थे तो क्या हुआ, तुम मिल गए तो क्या हुआ, वीरानियां कम ना हुई, तन्हा था मैं तन्हा रहा, एक आस थी तुम आओगे तो जिंदगी खिल जाएगी, एक बार देखोगे इधर तो रोशनी मिल जाएगी, मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। अब हमारा सेगमेंट है यस एंड नो, जिसमें आपने बताना है, हम आपको कुछ सिचुएशंस देंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने बताना है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ या जिंदगी में कभी आपने ऐसा किया। आप दोनों ने अब ऑडियंस से एक एक को बुलाना है जो कि आपके बिहाफ पे आपकी जंग खेलेंगे। और मेरे बिहाफ पे कौन आना चाहेगा? आइए, आ जाइए। आप आएंगी? आप आएंगी? आ जाए, आ जाए। ओके, इजी गेम है वैसे, सिंस ये टर्म बहुत पसंद है, जस्ट डू इट, आप आ जाएं, जस्ट डू इट। Just do it. Just do okay. it. Oh, interesting. बाल बड़े जबरदस्त हैं. Big है. आपको क्या लगता है कि इमाद या मायरा जब कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो अपना नाम बता के कि मैं टीवी में आता हूँ, मैं एक स्टार हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, थोड़ा सा तो डिस्काउंट दे दें, कभी बोला होगा इन्होंने? बताएं जी। टू बी ऑनेस्ट नहीं किया मैंने कभी ये, okay. ये कार्ड प्ले नहीं किया। आपको कैसे लग रहा है इनको देख के कि ये ऐसी ये चपोस्ट्री मारेंगे ये? प्लस मुझे कंजूस लोगों से एवर्जन है। ये जो है ना ये तुला हुआ है आपको हराने के लिए, उसने यस लिखा है। यस का है। अच्छा जी, अब आपने पता नो का है। मैं बाकी मैं बल्कि एक्स्ट्रा पैसे पे करके आती हूँ। रियली? मैं टिप भी एक्स्ट्रा उनको देती हूँ क्योंकि मुझे शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कभी लंडा बाजार से कुछ खरीद कर पहना हो? क्या जी इमाद? बिल्कुल, फुटबॉल के जूते। फुटबॉल रेलवे स्टेशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त मिलते नहीं थे नाइकी रीबॉक वगैरह, फुटबॉल शूज, तो बिल्कुल गया हूँ और लिए हुए हैं फुटबॉल के जूते। लिए वैसे देखें, आपने जो बंदा पिक किया है ना वो ही इज डूइंग इट। अच्छा जी मैडम, शी इज राइट। मैंने अभी एक ड्रामा किया स्टैंड अप गर्ल, उस ड्रामा में उन्होंने हमें लंडे के स्वेटर्स बनाए हैं। अच्छा जी, सवाल है, कभी दोस्तों में बैठे हुए कॉल पिक की हो और बाद में अंदाजा हुआ हो कि ये तो मेरा फोन ही नहीं है, यार तू मरवाएगा? अच्छा मोबाइल फोन में नहीं हुआ हुआ, लेकिन लैंडलाइन में जरूर हुआ हुआ। तो इट्स अ नो, या यू आर ऑफ द मार्क, वेल डन। ये पीछे देख के जवाब दे रही हूं, मुझे लगता है देख रही हूं कि वो आंसर मैंने सही दिया कि नहीं। तो यस यस, मैं थोड़ी सी हूँ, मतलब पागल, बुलक्कड़ बुलक्कड़, और मेरी अम्मी कहती होती है तुम पागल हो, तो ऐसा हुआ है मेरे साथ। फ़ोन पे सारी बातें कर ली, सब कुछ। ये तो मेरा फ़ोन ही नहीं है। और अच्छा, फ़ोन छोड़े, एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि गलत गाड़ी में दो गाड़ियाँ, ये आपको कैसे पता चला? इसलिए कि मेरी बीवी गलत गाड़ी में बैठ गई, तो मैं देख रहा हूँ पीछे से ये जा कहाँ रही है ये, और ऐसे करके फिर देखा दरवाज़ा खोला और हाय करके उसने दरवाज़ा बंद किया। मैं कि यार इतनी और स्टुपिडिटी की इंतहा है ये। मतलब गाड़ियां हम दोनों के साथ साथ, और गाड़ी भी बिल्कुल एक जैसी, मतलब मैं ऐसे बड़ी हीरोइन बन के बैठी हूँ और मैं कह हाँ अम्मी 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 ये कौन है, ये कौन है? एक बंदा बैठा, वो बेचारा परेशान हो गया, ये कौन है?
ये हुआ है मेरे साथ। सवाल है जी, कभी किसी घर की बेल बजा के भागे हो? बचपन में हुआ भैया, किया हुआ। मैंने भी ऑब्वियसली, मैं क्यों पीछे रहूं। अच्छा जी, आखिरी सवाल, कभी घर से बन ठन के निकले हो और जूते मुख्तलिफ पहन लिए हो? अनकॉन्शियसली नहीं, लेकिन कॉन्शियसली ये कर चुका हूँ। यानी एक जॉगर फटा हुआ था और यानी दो अलग अलग जूते पहन के, तो कॉन्शियसली कर चुका हूँ। इसका मतलब है गलत जवाब। यार वैसे नेवर डू इट अगेन। यस, ऐसी सही कह रही है। मैं पहन के कभी नहीं, मतलब पहने हमें तो फिर यस होना चाहिए, ये नो कह रही है। आप दोनों के लिए गिफ्ट हैंपर रखे हुए, एक माद देंगी एक मायरा देंगी आपको गिफ्ट हैंपर लेके आए जी। गिफ्ट हैंपर तीनों हजरात, अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। शामदेव, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं ना, कितनी आप एक्साइटेड हैं, क्या होने वाला है? प्रोजेक्ट्स अभी जैसे मनजोगी चल रहा है, उसका बहुत जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है। अभी एक शो प्लान किया जा रहा है जिसपे, जिससे मैं पहले करती रही हूँ, पोलिटिकल सटायर, लाइक उस तरह का एक शो है वो। इंशाल्लाह लोग मुझे देखेंगे जल्द करते हुए। और इमाद से भी जानना चाहेंगे कि क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हैं, अभी तक किया नहीं? 92 का विनिंग कैप्टन, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो एक बहुत बड़ा मोमेंट है, मगर इस तरह के भी ड्रामे बनने चाहिए, राइट? एब्सोल्युटली। और ना सिर्फ क्रिकेट पे, हॉकी स्क्वैश, बिल्कुल। आलिक हुसैन हमारे एक स्प्रिंटर थे, उनके ऊपर एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। आई मीन फजल महमूद, द फर्स्ट हार्ट थ्रोब ऑफ पाकिस्तान, उनके ऊपर क्यों नहीं? हमारे पास इतने हीरोज हैं, इतनी स्टोरीज हैं। इमाद, आप जब छोटे थे तो इतने ही गुड लुकिंग थे, तो बार बार शीशा देखते थे आप कि अब मैं ये इतना खूबसूरत हूँ, मतलब पर्सनैलिटी है मेरी, तो मैंने तो मतलब मैं छा जाऊंगा। आई विश इतना कॉन्फिडेंस होता रमीज भाई मुझ में। आपको कब रियलाइज हुआ ये कि यही वाकई मेरा करियर है? आई थिंक 11 साल पहले जब मैंने ये डिसीजन लिया। अच्छा, आई वॉन्ट टू हैव दिस करियर एज अ प्रोफेशन जी। ओके, 11 साल पहले। फेवरेट एक्टर्स कौन है? रॉबर्ट रेडफोर्ड, फिलिप सैमोर हॉफमैन, टॉम हैंक्स, एंथनी हॉपकिंस, मैट डेमन। पाकिस्तान में लोकल मटेरियल नहीं पसंद? पाकिस्तान में आ रहा था लोकल मटेरियल में, जो जिनका बहुत फैन हूँ मैं, फिरदौस जमाल साहब, आई थिंक ही इज एन एब्सोल्यूट फिनोमिनल एक्टर, राहत काजमी साहब, कवि साहब, कवि साहब। उसके अलावा अगर आप फिर Younger generation में आए तो खवातीन का बिल्कुल नाम नहीं लिया अभी तक इमाद, क्योंकि उनसे मैं चीजें कम चोरी की है ना, मैंने जिनसे चोरी की है उनका नाम ले रहा हूँ मैं। रीसेंट फिर जो इंस्पिरेशन से टू बिकम एन एक्टर इन दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ, फवाद खान, फवाद मुस्तफा, और भी एवरीवन हू इज कंट्रीब्यूटिंग, दे आर डूइंग एन एब्सोल्यूट। क्या दो जो आपने नाम लिए हैं जो अभी के सुपरस्टार्स हैं, इनकी क्या चीजें पसंद है आपको? इनकी ये चीज पसंद है कि जब ये इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, जब इतनी लाइमलाइट में भी नहीं थी, लेकिन ये लोग लगे हुए थे, ये लोग फिर भी उस इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, वैल्यू ऐड कर रहे थे, और आर्ट की खिदमत कर रहे थे एज एन एक्टर। जहां तक खवातीन जी बहुत हैं, है ना, बहुत वर्क विद माहिरा, आई थिंक आपने जी, मैंने 3-4 कमर्शियल्स किए हैं माहिरा के साथ, वहां से आपको वो इंस्पिरेशन। माहिरा इज समवन that everyone should get lessons how to behave on the set. She's such a superstar. Itni humility ke saath, itni respect ke saath wo har kisi ko treat karti hai. As actors aap khushkismat hote ho ki aapko bahut importance milti hai, lekin aapse zyada mehnat kar rahe hote hain jo log camera ke piche hote hain. So just be kind to everyone, just be nice to everyone, because wahi hai aapke paas, results aapke haath mein nahi hai, lekin aapke paas wo respect hai jis din aap wo cheez create kar rahe ho, वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो, तो उस वक्त आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हो, दिस इज व्हाट आई बिलीव। सही बात। ओ यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, ओ यार दिल दा पक्का, दिलदार दिल दा पक्का, पक्का 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 पक्का। एक मिनट बंद करो, ये तो बाबा हमारे कच्चे केलाई की लग रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं कच्चे के इलाके की बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम रमी साहब। सर कैसे हैं आप? आज बड़ा खुश हूँ मैं। सही, हमने YouTube चैनल बना लिया है भाई। बताओ
हमारे YouTube चैनल का नाम है कच्चे पक्के खाब। प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब। जिनको बोल रहे हो वो नहीं करना, इनको बोलो। बहरहाल हमने सोचा है वक्त के साथ साथ आगे इंसान को बढ़ना चाहिए। ओए होए होए होए, मेरी अल्लाह, मेरी नजर तो अब पड़ी आए मायरा खान आई है। मायरा खान आप इधर, कोई जिन का बच्चा नहीं, इतना डर क्यों रही? ओह माय गॉड, इमाद इरफानी भी आई। माशाल्लाह दो दो घड़ियां पहनी है, वक्त बहुत ज्यादा आया। दो दो घड़ियां नहीं सर, एक वू पे और एक घड़ी। माशाल्लाह अमीर इलाके का दामाद लग रहा है। अमीर वैसे मुझे समझ नहीं आया वो कंटेंट आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। माय गॉड, तुम्हें क्या समझ नहीं आया कंटेंट कौन सा क्रिएट कर रहे हैं, बताओ ना। ओ मेरे खुदाया, टूटते कैसे हैं आपकी ये गन पे तो टेप लगी हुई है। ये टेप और ये जो आपका असिस्टेंट है तो वैसे ही फूंक से उड़ जाएगा ये। ताजी मैं थक गया वहाँ। प्रयास कर ले, वो थक गया है। इसको बिठा रहे बेचारा, बहुत थक गया है। नहीं नहीं, ये माशाल्लाह इसमें सांस ही नहीं है, थकेगा कैसे? इमाद साहब की सिक्योरिटी करो, जाओ उनके वहाँ खड़े हो जाओ, शाबाश। थोड़ा दूर खड़े हो ना, वो ऐसी चीजों से डर जाते हैं, बड़ा फासला। वैसे इमाद साहब जैसा जो अंग्रेज होता है सारी डील डन करके बोलता है। हाँ। यार मुझे समझ नहीं आया, डील कैंसिल यार। इमाद साहब हाँ जी, आप बड़े प्यारे इंसान हैं, अच्छे अदाकार हैं, अच्छे मॉडल हैं। आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ। जी बताइए। हमने रमी साहब असल में नया कपड़े का ब्रांड लॉन्च किया है, कच्चे धागे। धागा कच्चा है लेकिन कपड़ा पक्का होगा। लग रहा है कि फैब्रिक की क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं होगी यार। जहां भी रहना उगता ही हुई रहना। हमारा जो ब्रांड है सही, उसके लिए आपने मशहूरी करनी है। जरूर मशहूरी। बोलना क्या इनको? नहीं, इनको ये कहना है कि यार ये हमारा कपड़ा है, प्लीज आप लोग बाय करें यार। सिंपल है मेरा शागिर्द, तुमने कुछ कहना था मायरा बीबी से? ताजी मैं थक गया वहां। आ जाओ मोंडे पे बैठो। बहरहाल हमारा जाने का वक्त हो गया है, और अगर हम वीडियो बना के बाद में उस बंदे को ब्लैकमेल ना करें तो क्या फायदा है? ये मायरा की तस्वीर लेनी है, थंबनेल पे लगानी है मैंने। आप ये छोड़ दें डाकेबाजी, आप कोई अच्छा काम करें। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अच्छा। हूँ आपका कच्चे का पक्का डाकू साईं जंगला। हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है, हमने इन लोगों को जो है वो पकड़ लिया है, अब ये खुद कहेंगे जो भी कहेंगे। आप किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं करना, ये बहुत गंदा चैनल है, ये गंदे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे साथ यहाँ पे मुलाकात हुई है माशाल्लाह मोस्ट ब्यूटीफुल हैंडसम, जो मैं कहूँ क्या कम बात है, इमाद इरफानी, उर्दू बोलने वाले अंग्रेज हैं। इमाद साहब क्या कहेंगे? आपकी कैप्टिविटी में बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है, और लुक फॉरवर्ड आपके यूट्यूब चैनल पे अपना आपको देखने का। सही, आप हॉलीवुड जाने ही वाले हैं। अच्छा, आप सिफारिश कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। सही, बेफिक्र रहे हैं, हम एक हुक्म करेंगे, सारे मामला होंगे। दोस्तों ये था मैं आपका कचेगा डाकू, अपना ख्याल रखिएगा। बहरहाल बहुत अच्छा लगा। अब हम जाते हैं इमाद साहब, जाते जाते मैं जंगल बुक मूवी बना रहा हूँ, उसमें टार्जन का रोल है, क्या आप अग्री करेंगे? वाह माशाल्लाह, जरूर, लेकिन रस्से के बगैर होगा। तो आपकी मूंछों पे झूलेंगे ये? ओए मेरे खुदाया, कभी शलवार कभी मूंछ, पता नहीं क्या रमी साहब ने समझ लिया। पैसे हैं आपके पास मूवी बनाने के लिए? आपकी शक्ल से लग ही नहीं रहा। नहीं, पैसे हमारे पास हैं, ये स्टेशन पे मांगता भी है, उसकी फिक्र नहीं करनी। लो भाई म्यूजिक में आप हमें विदा करें। कोई गाना नहीं सुना रहे आप जाते हैं? एग्जैक्टली, गाने की फरमाइश आई है, गाना ना हो ऐसा हो सकता है भला? बिल्कुल नहीं हो सकता। मजबूरिया आशिक मजबूरिया, भली केड़ो भी कदार हुजे। मजबूरिया आशिक मजबूरिया, भली केड़ो भी कदार हुजे। सुह जो सलामी हुजे, सलम जो सलामी हुजे, भली को बहतार हुजे। मजबूरिया भली केड़ो भी कदार हुजे। मजबूरिया आशिक मजबूरिया, भली केड़ो भी कदार हुजे। ओ मजबूरिया। लो भाई मेरे ख्याल से अब ज्यादा मामला खराब है। बढ़ते हैं जी अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। और मैं इमाद आपसे पूछना चाहूंगी, इनमें से किस अदाकारा को अपने साथ आप देखना चाहते हैं?
यमुना जैदी या सारा खान? यमुना? यमुना जैदी या इकरा अजीज? इकरा भी बहुत अच्छी है, इकरा। इकरा अजीज या महविश हयात? महविश भी बहुत अच्छी है, महविश। महविश हयात या सज्जल अली? सज्जल के साथ मैंने काम किया है, शी इज अ ट्रीट टू वर्क विद सज्जल। सज्जल अली या सबा कमर? सबा के साथ ही मैंने काम किया है, सबा कमर। सबा कमर या हानिया आमिर? हानिया आमिर। हानिया आमिर या किंजा हाशमी? हानिया आमिर। हानिया आमिर या माया अली? हानिया आमिर। हानिया आमिर या आयजा खान? हानिया। हानिया आमिर या माहिरा खान? इतनी बार हानिया बोल दी है, माहिरा खान। माहिरा खान या रीमा जी? माहिरा खान। माहिरा खान, जबरदस्त। आपका रैपिड फायर। आपका पसंदीदा अदाकार कौन है, समी खान या एहसन खान? एहसन खान। एहसन या फैसल कुरैशी? फैसल कुरैशी, अभी मैं कर चुकी हूँ उनके साथ। फैसल कुरैशी या अदनान सदीकी? फैसल कुरैशी। फैसल या फहद मुस्तफ़ा? फैसल कुरैशी। वाह। फैसल या इमरान अब्बास? फैसल कुरैशी। ओके। फैसल के साथ काम करने बहुत सीखते हैं। फैसल कुरैशी या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान या नुमान एजाज? नुमान एजाज साहब के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। नुमान एजाज। नुमान एजाज। नुमान एजाज या हुमायूं सईद? नुमान एजाज। नुमान एजाज या शान शाहिद? शान शाहिद। रियली, ये हमारा आखिरी था और आप कहते हैं शान। जी बिल्कुल, तालियां। रैपिड फायर की तरह से गुड बाय एंड गुड नाइट हम करेंगे। सो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रियली वाज वंडरफुल टू होस्ट यू, टू हैव यू। आपको मिलने का मुझे बहुत शौक था, इसलिए कि जो है ये इनको क्रिकेट का इतना शौक था और आपने देख ही लिया कि ऑफ कैमरा क्या क्या गुफ्तगू हुई है। मुझे लगता है हमाद को एक शो करना चाहिए। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, बहुत पोटेंशियल है। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ प्लेजर। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मायरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई और ज़बरदस्त शो हुआ, माशाल्लाह। फैंटास्टिक। तो हम जाने से पहले वहाँ पे खड़े होके ऑडियंस से, पीछे ये ऑडियंस होते हैं और हम एक सेल्फी मोमेंट होता है, तो वहाँ से फिर हम खुदा हाफिज़ कहते हैं। हाँ चलें, लेट्स गो। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।